और आज खुलेआम जीआरएस और वीएलडब्ल्यू लोगों को धमकाते हैं कि हम लोग जो है 5-5, 10-10 लाख रुपए सालाना जो ऊपर लेवल किसी अधिकारी को देते हैं, इसलिए हमें कोई पूछताछ नहीं होती। ठीक चल रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है, ये सब फ्रॉड है, आपको भी ये धोखे में रखना चाहते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, मैं एलजी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की आप एक स्पेशल एसआईटी यहां पे भेजिए। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरी यूनिट उनके पास साथ शाना बशाना खड़ा होकर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो इन्होंने घोटाले यहां पे किए, हम उनका साथ देंगे। आज हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है करप्शन का चरम सीमा जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो है बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा जा रहा है, यहाँ पे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है बैठे हुए हैं, इन्हें यहाँ से उखाड़ने की जरूरत है। इसके साथ तो मैं हूँ ठाकुर रंगील, इस वक्त मैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के वीडियो ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट मुगल मैदान देवराज ठाकुर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं आखिर ये आज यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। देवराज जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि इतने लोग जो है आज क्यों आप यहाँ वीडियो ऑफिस के बाहर जो है खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रंगील जी आपका मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमेशा गरीबों के मुद्दे उठाते हो और जगह जगह पे पहुँचते हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे आपने सवाल पूछा कि आज यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हो, हमने लगभग पिछले 4-5 दिन से, एक हफ्ते से मैं लगातार वीडियो साहब के संपर्क में हूँ कि आप वीडियो ऑफिस मुगल मैदान में आइए, लोगों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं वो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि डे बाई डे वो टाइम देते रहे कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, और आज पिछले शाम को भी उन्होंने कहा कि मेरी आज भी ट्रेनिंग है, मैं आज भी नहीं आ सकता। हो सकता है उनकी ट्रेनिंग हो, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बिजी ना हो, लेकिन पिछले 4 महीने से जब से वो आए हैं मैक्सिमम एबसेंट रहते हैं वो ऑफिस, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज बदकिस्मती से अब जो है डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी वीडियो ऑफिस से ही प्राप्त होती है लोगों को। लेकिन वीडियो साहब अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो लोगों को बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, महीना महीना लग जाता, 2-2 महीना लोगों को लग जाता है बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने में या डेथ सर्टिफिकेट को रिसीव करने में। हमारा जो मुद्दा आज मेन ये था वीडियो साहब से, जो ग्रीवेंसेस लोगों की आज जो थी वो ये था कि पूरा साल समाप्त होने को जा रहा है लेकिन अभी तक इन लोगों ने लोगों की जो है जॉब कार्ड की डिमांड्स अभी तक नहीं लगाई, जबकि पूरा साल समाप्त होने वाला, विंटर सेशन शुरू होने वाला, आगे बर्फ पड़ने वाली है, पहाड़ी इलाका हमारा यहाँ पे है, लोग जो है नरेगा के जॉब कार्ड होल्डर जो है वो बाद में काम नहीं कर पाएंगे। समय से इन लोगों ने पिक एंड चूज करके कुछ लोगों को जॉब कार्ड की डिमांड्स लगाई गई और कुछ लोगों को नहीं लगाई गई। इसका क्या कारण है ये तो बी डी ओ साहब ही बताएंगे, क्योंकि पिक एंड चूज करके किस तरह से डिमांड्स लगाते हैं, या तो समोस्टली सभी जॉब कार्ड होल्डर्स के डिमांड लगने चाहिए ताकि समय से वो काम कर पाए, नहीं तो जब बाद में बर्फबारी हो जाती है उससे लोगों के हाजिरियां नहीं लग पाती है, जिससे आम जो गरीब लोग हैं जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी दिहाड़ी पूरी नहीं लगती है जिससे उनका पूरा पेमेंट नहीं हो पाती। उसके बाद एक और इश्यू है कि अभी जो लोग काम करने जा रहे हैं अभी तक इन्होंने वहां पे कोई ऐसा वेंडर या ठेकेदार नहीं रखा है जो इनको मटेरियल दे, और जब हम बाद में इनको मटेरियल के लिए पूछते हैं साल के बाद, ये उसके बाद बानाबाजी बनाते हैं और स्मगलिंग का धंधा ये करते हैं यहाँ पे। हमने इनसे पहले ही निवेदन की थी कि समय पे काम जो है यहाँ पे उठाया जाए ताकि ये यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फबारी जल्दी हो जाती है, यहाँ पे समय से लोगों के जो है ये डिमांडें लगाई जाए ताकि लोग स्मूथली काम कर सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब दफा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का ये साफ नारा था जो कि जम्मू कश्मीर से करप्शन को जो है जड़ से हम उखाड़ देंगे, अगर हम ऑफ कैमरा की बात करें तो ऑफ कैमरा जब हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं और लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि करप्शन जो है आज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ये जो आपने बात की 370-35 की, ये एक काला कानून जो जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपा गया था और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास किया है कि इस काला कानून को समाप्त किया है, और इसके बाद यहां पे लाखों पैसा आया, करोड़ों पैसा आया है। आज इसी 370 और 35 के समाप्त के बाद यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली यहां के लोगों के लिए, यहां के डीडीसी के इलेक्शन हुए और डीडीसी का 72 लाख सालाना जो है यहां पे पैसा मिलता है जो आम लोगों के लिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम में खर्च करना चाहिए था। बीडीसी को 25 लाख सालाना मिलता है लेकिन कहीं वो डेवलपमेंट दिखाई नहीं देते, यहाँ पे
मैं मानता हूं कि 370-35A के बाद ये सब काम नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ करप्ट ऑफिसर और जो मुलाजिम आज भी इस यहां पे इस डिपार्टमेंट रूम में बैठे हुए हैं, जो आम जनमानस को तंग करने पे तुले और उनका खून पसीने की कमाई खाने पे लगे हुए हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम इसी की आरडीडी की बात करें तो कहीं ना कहीं एक पंचायत के लिए सिर्फ स्किल्ड और अनस्किल्ड का एक साल का 60 लाख रुपए आ जाता है, वहीं अगर हम जीरो ग्राउंड की बात करें तो जीरो ग्राउंड पे जो है 60 रुपए भी नहीं लगती है मिट्टी। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हमारे डीसी साहब श्रीमान दिवांश यादव साहब को और हमारे स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब को भी ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ग्राउंड जीरो पे ये भ्रष्ट अधिकारियों ने जो है गरीब लोगों को तंग करके रखा, यहां पे भ्रष्टाचार की सीमाएं जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। हमने बहुत ज्यादा प्रयास किए, ये कोई आम बात बन चुकी है। यहां पे जो मटेरियल का जो धंधा है, यहां पे कहीं सालों से लाखों करोड़ों का पैसा निकाला जाता है, वो चंद कुछ वेंडर्स इन्हें रखे हैं जो ब्लैक मेलर्स रखे हैं, उनके साथ मिलकर स्मगलिंग करते हैं और आम जनमानस को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमने कहीं बार इसकी आवाजें उठाई है और आज खुलेआम जीआरएस और वीएलडब्ल्यू लोगों को धमकाते हैं कि हम लोग जो है 5-5, 10-10 लाख रुपए सालाना जो ऊपर लेवल किसी अधिकारी को देते हैं, इसलिए हमें कोई पूछताछ नहीं होती। मैं एलजी महोदय से यह पूछना चाहता हूं, मैं डीसी साहब से यह पूछना चाहता हूं, कौन वो लोग हैं जो यहां के डिपार्टमेंट के इन जीआरएस और वीएलडब्ल्यू से फंडिंग करता है, ये मेरे गरीब आवाम को यहां पे तंग किया जाता है, इनका इनका जो हिस्सा है, इनका जो खून पसीने की कमाई कौन इसमें शामिल है, इनको एक्सपोज करना चाहिए। ये जीआरएस और वीएलडब्ल्यू तभी खुल के बोलते हैं क्योंकि ऐसे लाखों एफआईआर इनके ऊपर आज तक लग चुकी है, ऐसे लाखों पर्चे इन जीआरएस और वीएलडब्ल्यू के ऊपर लग चुके हैं, लेकिन क्या कारण है कि इसी एक डिपार्टमेंट आर्य डिपार्टमेंट के ऊपर जब भी हमने जो देखा है, जब भी किसी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के ऊपर एफआईआर पर्चे लगते हैं उसे सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन क्या कारण है कि वीएलडब्ल्यू और जीआरएस जिनके ऊपर सैकड़ों एफआईआर आज तक लाज हुई है, जिनके ऊपर हजारों पर्चे आज तक लाज हुए, इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है, इन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, इनको दोबारा फिर उसी पद पे रख के उनको फिर लूटने का काम क्यों किया जा रहा है। मैं एलजी महोदय से आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ग्राउंड जीरो पे हम हर बूथ पे जाते हैं, हम हर व्यक्ति के साथ संवाद में जुड़ते हैं, कंटिन्यूस हम प्रवास में रहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ब्लैक मिरर्स के माध्यम से जो वीडियोस बनाते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे विकास हो रहा है, ये सब फ्रॉड है, आपको भी ये धोखे में रखना चाहते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, मैं एलजी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की आप एक स्पेशल एसआईटी यहां पे भेजिए, हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरी यूनिट उनके पास साथ शाना बशाना खड़ा होकर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो इन्होंने घोटाले यहां पे किए, हम उनका साथ देंगे, हम उनको दिखाएंगे कि इन्होंने कितना यहां पे किया। हम मानते हैं कि यहां पे एलजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डीसी साहब, लेकिन यहां पे जो पीछे जो पिछले पॉलिटिक्स ने यहां पे जो ये गुंडा राज, जो गुंडे यहां पे मुलाजम लगाए हुए हैं और जो यहां पे ये जो ब्लैक मिरर्स रखे हुए हैं जिन्होंने यहां के गरीब आवाम को आम जनमानस को जो जीना हराम कर रखा है, अब समय आ गया है कि यहां पे स्पेशल एसआईटी एंटी करप्शन ब्यूरो की भेजी जाए और ब्लैक मुगल मैदान को गहराई से जांच की जाएगी, यहाँ पे कितना करप्शन है, चाहे वो मेटेरियल का मसला हो या बाकी चीजों का मसला हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मुगल मैदान से लेकर दिल्ली तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कब तक जो है इन भ्रष्ट लोगों और करप्ट लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होगी? मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सेंटर में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बहुत ज्यादा इस टाइम जो है करप्शन पे लगाम लगाई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक लोकतंत्र सरकार नहीं है, हमारे यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है, एलजी महोदय यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके नीचे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चल रही है, लेकिन ये लोग आज भी कहीं न कहीं गरीबों के आवाज दबाने में लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एलजी महोदय को एक्शन लेना पड़ेगा और तभी जाके जिस तरह से मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो करप्ट अधिकारियों को क्या बोलते हैं पेज कसा हुआ है, उसी तरह से यहाँ भी कसने की जरूरत है, अन्यथा ये इसी तरह से यहाँ पे जो करप्शन भरता जाएगा। कब तक जो है जो करप्ट लोग हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी? मैं तो कहता हूँ कि आज अभी और इसी वक्त मैंने आपके माध्यम से जिन लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई उन लोगों के ऊपर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुगल मैदान से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं यही कहता हूँ जनाब कि मैं
दिल्ली से लेकर आप ले रहे हो, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, गवर्नर मोदी यहाँ पे बैठे हो, इनके नीचे ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है, दिल्ली से बैठी हुई सरकार को यहाँ तक आज हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है करप्शन का चरम सीमा जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो है बहुत ज्यादा षडयंत्र रचा जा रहा है, यहाँ पे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है बैठे हुए हैं, इन्हें यहाँ से उखाड़ने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि जब भी हमारी बात आपके माध्यम से एलजी महोदय तक पहुंचेगी या हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी, जरूर यहाँ के लिए कुछ स्पेशल एसआईटी भेजी जाए ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, जो लोग भ्रष्ट अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, जो मेरे गरीब को तंग कर रहे हैं, चाहे वो नरेगा की बात हो, चाहे वो मेटेरियल की बात हो, चाहे यहाँ पे, मैं आपके माध्यम से आज एसीडी किश्तवाड़ साहब को भी बताना चाहता हूँ। मैं पर्सनली उनसे पिछले एक हफ्ते मिलकर भी आया हूँ, मैंने उस टाइम भी उनको कहा था कि साल समाप्त हो रहा है, अगर एक हफ्ते आपके माध्यम से आज फिर लास्ट बार करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे ब्लॉक मुगल मैदान में सभी जॉब कार्ड होटल्स की डिमांड नहीं लगाई गई, इन्हें यह काम समोसे यहाँ पे चलने नहीं दिया गया, तो वो दिन दूर नहीं है, चिंगारी निकल चुकी है और आपकी आग की लपेटे आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे और मैं पूरे जनता को लेकर पूरे सड़क पे आ जाऊंगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सभी लोगों को जॉब कार्ड की डिमांड नहीं लगी तो मैं सड़क पे आके यहाँ पे जो है पूरा चकाजाम कर दूंगा। बाद में मैं एसएसपी साहब को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लाइन ऑर्डर के बाद में आप ना कहें कि समस्या पैदा करें, क्योंकि हम एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट के हमारे कारण की कोई बाधा बने, लेकिन मजबूर करके रखा यहाँ के डिपार्टमेंट ने, खासकर आरईडी डिपार्टमेंट, यहाँ के वीएलडब्ल्यू और जीआर जिनके ऊपर एफआईआर जो परचेज लगे हुए हैं उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और बाकी लोग ताकि जो है बाकी जो काम है समुद्री चले और आम जनमानस को यहाँ पे फायदा होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं मैं इन लोगों को निचोड़ते रहेंगे, गरीबों का जो है आज भी इस तरह से अगर होगा, पहले जो यहाँ पे जो एमएलए रहे उन्होंने भी इन लोगों को बैकडोर से सपोर्ट करके इन करप्ट अधिकारियों को यहाँ बिठा करके आम जनमानों को पहले भी तंग किया, लेकिन आज हमें एक उम्मीद की किरण है कि जिस तरह से सेंटर में हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं हमें विश्वास है कि बहुत जल्द यहाँ पे भी एंटी करप्शन ब्यूरो का एक स्पेशल एसआईटी भेज के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सेंटर की सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हजारों तादाद में लाखों में जो आवास प्लस में मकान जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए, लेकिन उसी कड़ी में ब्लॉक मुगल मैदान में कहीं लोगों को जो आवास प्लस के मकान दिए गए, लेकिन आज भी वो लोग जिनके घर जिनके सर पे छत नहीं था उन्हें आज भी मकान नहीं दिया गया है। कौन वो लोग इनके पीछे यहाँ पे जो लिस्टें बना रहे हैं, कौन लोग जो है यहाँ पे एलजी महोदय को अंधेरे में रखना चाहते हैं कि गरीबों को यहाँ पे आज भी दबाया जाता है, आज भी आवास प्लस जो है आम गरीब को नहीं मिला हुआ, जिनकी पहले भी कोठियां बड़ी उन्हें दिया गया है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी जी को, आपने पहले 370 पैंतीस की बात की, इन्होंने इस काला कानून को समाप्त किया, लेकिन आज भी मैं डीडीसी यहाँ के डीडीसी और बीडीसी से भी पूछना चाहता हूँ, जो आपकी फंड से कहाँ यूटिलाइज की उसका भी जवाब देना पड़ेगा, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको याद होगा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री देश के थे उसने एक बात कही थी कि अगर हम एक गरीब के लिए एक रुपया सेंटर से भेजते हैं उसके पास टोटल 15 पैसे पहुंचते हैं, और अगर आज की हम बात करें अगर 1000 रुपया एक गरीब के लिए आता उसके पास मुझे लगता है कि टोटल 50 रुपये ही पहुंचते हैं, और क्या उम्मीद लगाई जा सकती कि लोगों के पास जो है काफी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो है जब सेंटर में इनकी सरकार होगी तो करप्शन जो है कहीं ना कहीं समाप्त होगी, और उसके साथ साथ जो मकान की बात कर रहे हैं अभी भी बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जो बेवा औरतें हैं उनको अभी घर नहीं मिले हैं, तो किन लोगों की वजह से आप मानते हैं कि धांधलियां हो रही हैं? रंगील जी सेंटर में सरकार हमारी है मैंने पहले कहा, लेकिन स्टेट में हमारी यहां सरकार नहीं, मुझे उम्मीद है यूपी का ही है ना? आपको शायद ये ज्ञात होगा कि यूपी एक से एक स्टेट मानी जाती थी जहां पे चोरियां धांधलियां और एक करप्शन का हब हुआ करता था, लेकिन वहां की जनता ने जब ये निर्णय ले लिया एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सरकार सौंपी, आज इस टाइम यूपी एक सबसे अच्छी स्टेट बनने जा रही है जहां पे करप्शन नहीं है, जहां पे गुंडागर्दी नहीं है। इसी तरह से अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी फैसला करना पड़ेगा, हमें एक सुरक्षित हाथों में अपना जम्मू कश्मीर को देना पड़ेगा, करप्शन ही नहीं बल्कि यहाँ का टेररिज्म यहाँ सारा समाप्त हो सकता है, लेकिन जब तक यहाँ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ये सारे कमांड है तब तक यह संभव नहीं हो सकता कि, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ऊपर से जो डंडा चलाया हुआ है मोदी जी ने उस कारण से यहाँ के कुछ ऑफिसर, मैं सबके बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऑफिसर आज भी
जो है अच्छे ईमानदारी से काम भी करते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाल किले के प्राचीन से मोदी जी ने एक निर्णय लिया था, एक संकल्प लिया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में शौचालय दूंगा, लेकिन उसका पैसा भी भरपूर यहाँ पे आया, हम धन्यवाद करना चाहते हैं उनका। लेकिन यहाँ के GRS और BLW ने वो सोच भी मेरे गरीबों को खाया है। आज भी आप या अगर गांव में जाके देखोगे 90% लोगों को शौचालय नहीं है। मैं आज LG मोदी को यहाँ से बताना चाहूँ, भेजिए टीम, मैं घर घर में लेके जाऊंगा। मैं पूरे समाज के लिए आज बूथ समाज के माध्यम से मैं घर घर गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पेपर वर्क करके इन लोगों ने यहाँ से उनके सोच भी खाया हुआ है, उनको शौचालय तक नहीं दिया। वंचे आज भी यहाँ पे मेरे साथ लोग खड़े हैं और इनके पास आज भी फाइलें पड़ी हुई है। 3-3 साल से जिन्होंने शौचालय बनाया है, इनकी पेमेंट नहीं कर रहे। और जिन लोगों के शौचालय है ही नहीं, उनकी पेमेंट की गई है। और इस तरह का करप्शन का हब यहाँ पे बन चुका है। लेकिन हम जो है आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो वेंडर्स वो यहाँ पे रखा गया है, क्या ठेकेदार से परमिट पिछले 15-20 सालों से 10 सालों से ने कंटिन्यूस रखे हैं, इनके साथ इनका नेगोशिएशन है। आज मैं पुलिस को भी बताना चाहता हूँ, मैं SSP किश्तवाड़ से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं SHU छात्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये GRS और VLW के घर पे छापे मारे जाए। इनके घर पे लाखों ATM निकलेंगे जिन लोगों के इन्होंने हड़प कर रखे हुए, खुद पेमेंट उनकी निकालते हैं। आज भी कहीं ऐसे केसेस जो है पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है, इनकी इन्वेस्टिगेशन तय जीरो तक होने चाहिए, इनके पूरे घर तक होने चाहिए। इतनी बिल्डिंग है यहाँ GRS और VLW ने बना के रखी है, लेकिन पूरे गरीबों का पैसा इन्होंने लूटा है। अब समय आ गया है, बहुत ज्यादा हमने सहन कर दिया, लेकिन पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहेगी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आम जनमानस को कि किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग कहते हैं GRS VLW के हम 5-5-10 लाख रुपए ऊपर पहुंचाते हैं, मैं उन GRS और VLW से पूछना चाहता हूं, अगर दम है आप ऑनलाइन आप ऑन कैमरा बताइए कौन है वो लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो या ब्यूरोक्रेसी हो, कौन लोग हैं जो आपसे कमीशन लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी संदेह होता है कि जब लोग इनके ऊपर FIRs होती है, इनके ऊपर पर्चे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब नहीं होते, तो हमें भी यकीन होता है कि ये कुछ हद तक ये भी सही है। अगर ऐसे ईमानदार ऑफिसर यहाँ डिस्ट्रिक्ट में है तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, इन लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज पिछले आपको इस बड़ा मंडल मुगल मैदान की बात करूं, आपको इस तहसील मुगल मैदान की अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारे तहसीलदार साहब मुगल मैदान बैठते हैं, एक ईमानदार और डेडिकेटेड अफसर हैं, हम उनको सराहना करते हैं। कल मुझे यहां पे लोगों ने बताया कि कहीं एंटी एग्रीमेंट जो की थी, कहीं जो स्टेट लैंड पे या जो भी था उन्होंने हटाया, मैं उनके उस काम का सराहना करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। लेकिन उनसे ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सच्चा ईमानदार ऑफिसर हो, अगर आप कोई क्वेश्चन करने वाले ऑफिसर हो, आज भी इस मुगल मैदान का नाम जो है जो पीछे इतिहास में उल्टा लिखा गया है, ये मुगलों के मजार के नाम से जाना जाता था। कौन लोग थे वो रेणु के जिन्होंने इसका मुगल मैदान नाम रखा है। आज भी स्टेट लैंड पर यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट होती है उनके ऊपर हाथ नहीं लगाया जा रहा है, और पिक एंड चूज करके कुछ लोगों को हिट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये भी किसी इशारे से काम करने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद थी कि एक ईमानदार ऑफिसर यहाँ पे बैठेगा, लेकिन क्या कारण है कि 4-5 रेणु पंचायत इनके पास है, इनके पटवारी जो है टाइम से ड्यूटी पे नहीं होते। आप आम लोगों से पूछे कि कहीं बार इनको पटवारी के पास आना पड़ता है, 10-10, 20-20 दिन आना पड़ता है, पटवारी इनसे नहीं मिलता है। क्या करें इनकी ईमानदारी को हम? अगर ईमानदारी दिखाना चाहते हैं आप, एक्शन दिखाना चाहते हैं आप, अपने पटवारी को पटवारी थाना में बिठाइए ताकि लोग सफर न करें। हम अब तो इंतहा की कोई हद हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने ईमानदारी दिखाए, हम आपकी सराहना करते हैं, हम आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी की मंडल यूनिट आपके साथ पूरी खड़ी है। अगर आपने ईमानदारी दिखानी, आपके सामने यहाँ सेसी सेंटर के कुछ गुंडे लोग बैठे हैं जो मेरे आम गरीब से ये जो अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के गोल्डन कार्ड बनाने के 5-5 हजार रुपए लिए हैं। मेरे को लोगों ने बताया कि 5-5 हजार रुपए चार्जेस लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस वो फोटो स्टेट के लेते हैं। इस तरह से गुंडा राज को अगर समाप्त करना है आपने, तो तहसीलदार साहब आपकी ईमानदारी के हम दाद देते हैं, आप
मुगल मैदान मार्केट में तो आइए, आप देखिए आपके नाक के नीचे किस तरह से धांधली यहाँ पे होती है। आपकी ईमानदारी तब मानी जाएगी जब आप उसके बाहर आके पूरी तहसील में अपना विजिट करेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन उस टाइम के तहसीलदार भी गाँव के लोगों की ग्रीवेंस सुनने के लिए गाँव गाँव पहुंचते थे। उस समय भी पटवारी जो है गाँव गाँव लोगों के पास पहुंचते थे, लेकिन क्या कर रहे हैं आज? छोटा सा एक तहसील है जिसके ऊपर 5-6 तहसील पंचायतें टोटल है, लेकिन फिर भी पटवारी आज गांव में लोगों के निशानदेह की कहीं झगड़े चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मुगल मैदान से देवराज ठाकुर बात कर रहे थे। बहुत सारे विषयों पे जो है बात हुई, उसमें इसका यह भी साफ कहना था कि जितना भी अभी ब्लॉक मुगल मैदान के अंदर जितने भी जॉब कार्ड होल्डर है उनकी डिमांड अभी नहीं लगाई गई। अगर हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हुई तो आने वाले वक्त के लिए हम सड़कों पर भी आ सकते हैं। नाजरीन बोर्डवाइस देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, मैं ठाकुर रंगील मुगल मैदान से बोल्ड वॉइस के लिए।